11 मिनट्स पहले तुमने लास्ट वर्ड बोला था और तब से लेकर अब तक साइलेंट हो। I wonder तुम और मिष्टी आपस में बात क्या करते होगे? I mean तुम भी साइलेंट, वो भी साइलेंट। And I'm sure उसके चश्मे के साथ तो आंखों आंखों में भी बात नहीं हो पाती होगी, right? वैसे मिष्टी ने जॉब के लिए कहाँ अप्लाई किया? मुझे नहीं पता। तुम्हारी शादी मिष्टी से होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ मिष्टी के बारे में पूछोगे, और भी लोग हैं घर में, तुम किसी के बारे में भी पूछ सकते हो। ओके ओके, विशंबर अंकल कैसे हैं? अच्छे हैं। नाइस। और राजश्री आंटी वो कैसी है? अच्छी है, मम्मी पापा चाची सब अच्छे हैं। और कोई बची? नहीं बची, मैं बची, हमारे घर की सबसे औसम, सबसे क्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर। मुझसे पूछो ना मुझे जॉब कैसे मिली। एक सेकंड, तुम्हें जॉब? अरे बहुत मुश्किल से मिली, पता है इंटरव्यू देने के लिए 20 लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे इंटरव्यू देने वाले कम और इंटरव्यू लेने वाले ज्यादा हो गए। 6 लोग बैठे, 6 लोग मुझ पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो, वो बॉलिंग पे बॉलिंग किए जा रहे और मैं यहाँ चीकू की तरह छक्के पे छक्के लगाए जा रही हूँ। अब ये चीकू कौन है? तुम चीकू को नहीं जानते? अरे चीकू हमारा कैप्टन विराट कोहली अनुष्का का हस्बैंड यार। फाइनली रेड पैर का मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे आंसर सुन के इतना खुश हो गया कि अपने सीट से खड़े होकर जोर जोर से ताली बजाने लगा। अच्छा रियली, रेड पियर ट्रैवल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर? और नहीं तो क्या। तुम, उन्होंने कहा कुहू महेश्वरी यू आर द बेस्ट, तुम ही हो जो हमारे कंपनी को बहुत आगे लेके जाओगी। बस अब और आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑफिस आ गया। ओह थैंक्स। कू अपने एमडी से कब मिलवा रही हो? एमडी का मतलब समझते हो? मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बिजी होते हैं, ऐसे किसी से नहीं मिलते। एनीवेज थैंक्स फॉर द लिफ्ट स्पोर्ट्स कार। कू क्या है, जल्दी बोलो, मैं ले छोड़ी। आई नो कि वो बहुत बिजी होता है, तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो प्लीज? क्या? उसे मेरा ये कार्ड दे देना और कह देना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मतलब अगर उनके पास टाइम हो तो प्लीज। मैं ट्राई करूंगी। मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मैं कम इन मैम। कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमने जो न्यू इंटर्न हायर की है, मैं उसे आपसे इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ। मिस्टर सुभाष, हम कल कर सकते हैं मीटिंग? अब काम के टाइम भी इन लड़कियों को झेलना पड़ेगा। मैम बस एक मिनट की बात है। ओके फाइन, बुला लीजिए। कम इन। आप भी? हेलो आंटी, कैसे हैं आप? आंटी ये बॉस की बॉस है, सुपर बॉस। मैं इन्हें जानती हूँ मिस्टर सुभाष, इनका मेरे बेटे कुणाल के लिए रिश्ता आया था, लेकिन हाँ, लेकिन मेरी किस्मत में वो टिपिकल राजकोट लाइफ नहीं लिखी थी ना, शादी बच्चे ग्रेजुएशन, तभी तो मुझे रेड पियर में जॉब मिली है। वैसे मुझे और भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आए थे। क्या मैं जान सकती हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आई थी? वो आंटी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से। वो तो आपने बता दिया, लेकिन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी से बड़ी बड़ी ऑफर्स आई थी? वो आंटी एक्चुअली मुझे अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है ना, थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती हूँ, लेकिन वो कंपनी बहुत बड़ी बड़ी, हाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल के लिए भी कुछ रखो। जी आंटी, अब तो रोज ही मुलाकात होगी, आप देख लीजिएगा मेरा ड्रेसिंग स्टाइल ऑफिस में बेस्ट होगा, मेरे शूज बेस्ट होंगे, मेरी ड्रेसेस बेस्ट होंगी, और मैं काम भी बहुत अच्छा करूंगी। आई होप सो, तुम बहुत काम आओगे। यू मे लीव नाउ। ठीक है आंटी। वाओ, इतनी सारी पेंटिंग्स हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अभी हम इसे ना बाहर लगाएंगे। पता है तुम्हें 3 एग्जीबिशन के लिए फोन आए हैं, पर कैसे होगा, ये सब संभालने के लिए कोई है ही नहीं, कब से पोस्ट खाली है। लेकिन
उस जॉब के लिए कुछ और भी तो लोग आए होंगे। आई थी ना भैया वो लड़की, ठीक नहीं है क्या? हम सबको तो बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छी तो है। क्या कहा आपने, वो काम नहीं करेगी? नहीं नहीं काम करेगी लेकिन यहाँ नहीं। मिष्टी यही काम करेगी। मैं यही काम करूंगी। सच? हीरा गई और मिस्टी मिल गई। बहुत अच्छा हुआ वापस आ गई। पता है दो दिन बाद एक एग्जीबिशन है। एक सेकंड, मिस्टी, आर यू श्योर? तुम्हें एक बार, मैंने 10 बार सोच लिया है। आई एम वेरी श्योर। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बार अपने घर वालों से बात कर। घर वाले तो बहुत खुश है कि मैं काम कर रही हूँ, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे एनजीओ के लिए काम कर रही हूँ तो वो और भी खुश होंगे। एक तो काम अच्छा है ही, दूसरा तुम आजकल बड़े पापा के फेवरेट जो हो। तो क्या मैं आप लोगों की टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हो तुम। भैया बोलो ना। अरे भैया बोलिए ना। ओके थैंक्स। चलिए हम सब पेंटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ चल। अच्छा बताओ आप क्या चाहते हैं? मैंने बैठने के लिए कहा। मजाक करो मजाक, बैठो। हाँ क्या कह रही? मैं कह रही थी कि बताइए आप क्या चाहते हैं। वो ये एग्जीबिशन। गॉट इट। ओके बॉस। सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है, ये फाइल लीजिए और जाइए। खुशियाँ भी बाटे के रिश्ते कभी हिलाते, आंसू के मौसम खुद ही उलझे हो ऐसे, कभी है ये धागों जैसे जाते सुलझे खुद ही। आंखों को यार है ना, इंतजार है ना, तेरा कुमार है ना, मेरी तो हर बात में तू ही। संग दिन रात है ना, यूं ही तू मेरे साथ रहना, सीधी सी ये तो बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के। लम्हों को यार है ना, इंतजार है ना, दिल से पुकार लेना, लगे सारा जहां ये अजनबी। संग दिन रात है यूं ही तू मेरे साथ रहना, सीधी सी ये तो बात है। कैसा लगा? वाह। आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आया। अभी वैसे मैंने नोटिस किया है कि लोगों को पैसे देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर उन पैसों के बदले कुछ मिल जाए तो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है ना? इसलिए मैंने सोचा है कि हम इन पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स को बेचेंगे और उससे जो पैसे आएंगे वो तुम्हारी दीदीज के काम आएंगे। This is amazing. You are amazing. संगत का असर है। अभीर भैया, जुनू, तुम दिन में क्यों चमक रहे हो? इन्हें मैंने बुलाया। Actually, अभीर मैं सोच रही थी कि
ये सेंटर है ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शो स्टॉपर पीस लगना चाहिए। तो मुझे इनमें से तो कुछ ग्रेट नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पे कॉल किया था। जुगनू भैया ने बताया कि तुम्हारे कमरे में कुछ फोटोग्राफ्स। हाँ हाँ, यही तो है, ड्रॉअर में पड़ी थी, ले आया। जॉब तो मुझे पापा भी दे देते, इस मिष्टी की वजह से मैं फंस गई। किसे पता था कि मेरा बॉस इतना खड़ूस होगा। कुणाल राजवंश, I'll call you back. 6 घंटे तुम्हारे पास। पर डायलॉग तो 70 मिनट वाला था ना, तुम्हारे पास सिर्फ 70 मिनट। #SRK rules। अभी से लेकर 8 बजे तक अगर तुमने एक और चीज किराई, समझ लेना तुम्हारा फर्स्ट डे तुम्हारा लास्ट डे होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।